हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट द रेट लुइस टेक्निकल वन में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा शोरूम में थर्ड फ्री सर्विसिंग कैसे करते हैं। सो गाइस, आपको पहले क्या करना है, रिसेप्शन में आके जॉब कार्ड को खोल लेना है। इधर से हाँ देखिए, जॉब कार्ड खोल लिया है हमने। जॉब कार्ड खोल के अभी वर्कशॉप में घुसना है। टेक्नीशियन के पास एक कागज़ भेज दिया हमने। अभी गाड़ी मेरा लीव पे लगा हुआ है, वो लोग मोबिल को डाउन कर दिया है इंजीनियर को। क्या क्या काम होने वाले हैं आपको फुल्ली बताएंगे कि थर्ड फ्री सर्विस में कौन सा काम करना आपको ज़रूरी है, वही आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो नीचे का गाड़ी कैसा दिखता है वो आपको दिखा रहे हैं। सो इंजीनियर को डाउन कर दिया है, आपको पार्ट बाय पार्ट आप बताएंगे। इंजीनियर चेंज होगा, गियर ऑयल चेंज होगा, अभी जितने भी सारे नट बोल्ट है उन सब नट बोल्ट को चेक करना है, कौन सा लूज कौन सा टाइट, मतलब लूज हुआ है तो टाइट करना है। सारे नट बोल्ट को चेक करना है एक बार अच्छे से। इधर देखिए, बैलेंस रोड बुशिंग आपका चारों नट टाइट करना है, और इधर में बैलेंस रोड बुशिंग का भी उस साइड दो। और एक बार दिखाएंगे जूम करके आपको, ये सारे नट बोल्ट को आपको चेक करना है। जितने भी रिलेटिव चाका के मतलब हुल के साथ जुड़े हुए हैं, सो अभी लिंक रोड को भी सबको टाइट करना है। तो हम पहले आपको दिखाएंगे कौन सा नट आपका टाइट करना ज़रूरी है। तो पीछे की तरफ चलते हैं। अभी पीछे का शॉकर दो है, ये शॉकर को टाइट करना है। पीछे का झुलना बोलते हैं इसको, ये नट बोल्ट को टाइट करना है, और इधर नट को टाइट करना है, और यू बोल नट को भी टाइट करना है। यू बोल को टाइट करना है इस तरफ और इस तरफ। इन सब टाइट होने के बाद आपको क्या करना है, गाड़ी का गियर ऑयल लॉक डाउन कर देगा। गियर ऑयल को भी चेंज कर लेना है थर्ड फ्री सर्विस में। सो आपका थर्ड फ्री सर्विस में सिर्फ गियर ऑयल ही चेंज होता है, डिफरेंशियल सेकेंड सर्विसिंग में चेंज हो चुका है। सो सारे ब्रेक सिस्टम से चेक करना है, कौन सा ब्रेक कितना घिसा हुआ है या ठीक है, वो सब चेक करना है। तो आगे का ब्रेक लीवर खोल लिया है, अभी पीछे का भी खोल रहा है, तो चेक कर लेते हैं एक बार ब्रेक कैसा है पीछे का ब्रेक शू। तो अभी तो ब्रेक शू अच्छा ही है, और मतलब 10,000 किलोमीटर तक अच्छे से चल जाएगा, ब्रेक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरफ दिख रहा है चेक करके अभी। तो ब्रेकिंग सिस्टम में अभी गाड़ी का पहले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी चेक करना ज़रूरी है। वो लोग खोल रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम, इसको टाइट कर रहा है। फ्रंट डिश ब्रेक पेड अच्छा ही है। अभी फिलहाल शोरूम के पार्ट्स में जाके देखेंगे कौन सा क्या क्या पार्ट्स हमको ले लेना है, उससे बात कर लेते हैं अभी। तो डीलर पे मतलब वीडियो करना मतलब मना किया हुआ है, फिर भी हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वीडियो करने के लिए। तो अभी इधर से पार्ट्स पर हम लोग मंगा लिया है। अभी मोबिल फिल्टर, गियर ऑयल, इन सब चीज़ों को हम गाड़ी में डालने वाले हैं। सो अभी हुल को लगा रहे हैं। अभी क्या करना है, इसको इंजन ऑयल फिल्टर को भी चेंज कर लेना है। वो देखिए, इंजन ऑयल फिल्टर खोल रहा है, इसको ऑयल फिल्टर बोलते हैं। ये खोलने के बाद इस ये फिल्टर आपको हर बार चेंज करना है। जो भाई लोग मेरे चैनल पे नया आया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए। कोई भी बोलेरो महिंद्रा कंपनी का कोई भी गाड़ी के जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अभी हुल को टाइट कर रहा है, गन के मदद से दो नंबर पे लगाना है गन को। ज़्यादा हाई स्पीड में लगाने से कभी कभी हुल को खोलने पे दिक्कत होता है। तो अभी इंजन ऑयल को भी डाल ले रहे हैं। देखिए, ये गाड़ी में 6 लीटर इंजन ऑयल डालना पड़ता है। पहले वाला बोलेरो में BS4 में M2TI में 7 लीटर आता था, तो ये गाड़ी 3 सिलेंडर है, इसलिए इसमें 6 लीटर से मोबिल लगता है। तो गाड़ी बिल्कुल नया है, BS6 का गाड़ी है ये। तो अभी देख लीजिए, इसका एयर फिल्टर को भी चेक करना है एक बार 3 नंबर सर्विसिंग में।
तो एयर फिल्टर को भी खोल रहे हो लोग, देखिए अभी एयर फिल्टर को खोल के इसको क्लीनिंग करना है। 40,000 में एयर फिल्टर चेंज हो जाता है, तो 30,000 में एक बार क्लीनिंग करके लगाना है। तो आपका गाड़ी का मैनुअल में जो जो लिखा है वो सारे पार्ट्स आपको थर्ड फ्री सर्विसिंग में चेंज करना है, क्योंकि गाड़ी का वारंटी का बात है, वारंटी आपका रहेगा। अभी देखिए हवा से क्लीन कर रहा है एयर के प्रेशर से। तो अभी गाड़ी का कौन सा पार्ट दिया हुआ है, कूलेंट बॉक्स, स्टीयरिंग ऑयल फ्लूइड, बैटरी, डीजल फिल्टर, ईसीएम बोर्ड और नीचे आपका ऑयल फिल्टर देख लीजिए, लाल कलर का दिया हुआ है ऑयल फिल्टर। एजियर ईयर का हॉस पाइप, 1, 2, 3 सिलेंडर मतलब 3 इंजेक्टर है इसमें, और इधर में साइलेंसर का है, ये इमोशनल कंट्रोलर, इसमें से ही आपका गाड़ी का पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। तो अभी इंजन में लिखा हुआ है डू नॉट वॉश इंजन। अभी आप कभी भी इसको प्रेशराइज वाटर से क्लीन मत करना। अगर आपको इंजन क्लीन करना है तो बैटरी का एक टर्मिनल खोल के आपको वॉशिंग करके गाड़ी को धूप में सुखा कर भी आप बैटरी को जोड़ सकते हैं। बैटरी कनेक्ट रहने से आपको गाड़ी को पानी से वॉशिंग नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी का बेसिस का गाड़ी में इलेक्ट्रिकल पार्ट ज़्यादा रहता है, हर कोई पार्ट में सेंसर लगा हुआ रहता है, इसलिए आपको दिक्कत होगा। चैनल में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।